भारतीय जनता यहाँ पर आई है, सब लोग हमारी माननीय जो माता जी के साथ अभिनंदन करें सर्वजनिक कानून के बाद पूरे भारतवर्ष में सुनाई देनी चाहिए अपनी कई सुनाए आप और दिखाएंगे कितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपने नेताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आप सब लोग जिंदाबाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हेलो भाई, भाई हो गया अब यार, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ भाई, क्या कर रहा बीच में यार। हेलो हेलो, साइड हट जाओ भाई, यहाँ साइड हो, लोग साइड साइड मुर नेक की साइड हो लो। ओ यार पीछे यार, पीछे यार, पीछे पीछे हो जा, पीछे हो। अरे पीछे आ जाओ क्या मामा। सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पधार रही है, तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत करें। हमारे मध्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पधार रही है, उनका भी स्वागत करते हैं। आप अपना जोश ठंडा ना होने दें, मैं नारा लूंगा कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी।
पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री के सी वेणुगोपाल, श्री के सी वेणुगोपाल, श्री राजीव शुक्ला, हमारे डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री की पत्नी हमारे बीच आ रही है श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिलाते हुए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आशीर्वाद लेते हैं, श्री राहुल गांधी जी से आशीर्वाद लेते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी से आशीर्वाद लेते हैं, आदरणीय बधाई जोर से प्रतिभा सिंह जी से आशीर्वाद लेते हुए सबसे मिलते हैं दोनों बेटियां। हमारे लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व में विदेश मंत्री रहे हमारे शिमला के निवासी मंडल के श्री आनंद शर्मा जी, हमारे बीच श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, दीपा दास मुंशी जी, मुकुल वासनिक जी, पवन कुमार बंसल जी, राजा साहब के पुष्पांजलि देते हुए प्रतिमा को सर सामने सर इस साइड उस साइड दूसरी साइड दूसरी साइड दूसरी साइड दूसरी मैम फेस 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 देखिए आज हमारे माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को फूल अर्पण करते हुए, श्री राहुल गांधी जी फूल अर्पण करते हुए, आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे बीच, देश की पूरी लीडरशिप अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्व में रहे अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, बघेल जी, श्री आनंद शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे पड़ोस के क्षेत्र से हैं, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, हमारे नेता श्री मुकुल वासनिक जी, पवन कुमार बंसल जी, दीपा दास मुंशी जी, मनीष चक्रवर्त जी, इन सब लोगों की जितनी भी लीडरशिप यहाँ बैठी है सब लोगों की ताकत से आज हिमाचल में भाजपा का खड़ा हुआ है। हमारे तेजेंद्र पाल बिट्टू जी के सेक्रेटरी गुरकिरत सिंह मोटली जी, इन्होंने बहुत काम किया पिछले 2 वर्षों से लेकर 3 वर्षों से यहाँ पर, संजय दत्त जी, श्री सचिन पायलट जी हमारे बीच, इन्होंने बहुत बड़ा कैंपेन यहाँ पर किया, अलका लांबा जी, हम आप सब लोगों की कृतज्ञ हैं। वो आगे मत आया यार, आप सब देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में हमारे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें हमारे राहुल गांधी जी जो पूर्व अध्यक्ष है, किस तरीके से उनके साथ करोड़ों की रूप में जन लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे बीच भी आएंगे कुछ समय के बाद जब हिमाचल से इनका आगमन होगा, हमारे
हमारी कांग्रेस पार्टी का इतिहास पूरी जनता को जोड़ने का, कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक हो रही है, ना आज तक कभी ऐसी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी का जनता से प्यार, सर्व समाज का कल्याण के लिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है, कन्याकुमारी से कश्मीर एक कहावत होती थी, पूरा देश हमारा कन्याकुमारी से कश्मीर है, चल करके तो क्या कोई गाड़ी में भी जाने की नहीं सोच सकता, और ये इंसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश को जोड़ने के लिए इकट्ठा होकर के पूरे देश को इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं। आप सब लोग जोर से अभिवादन करें और इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सर, आपके साथ पूरे देश की जनता, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हर क्षेत्र के लोग आपके साथ जुड़े हैं। छोटा सा ये प्रदेश है, इस प्रदेश को तो आपकी गांधी जी ने बनाया है, इसी ऋण से यहां से हिमाचल का पूर्ण राज्य हम इंदिरा का 1971 में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्व कल्याण और पूरे देश को जोड़ने का काम किया है और आज हमारे को बहुत ही बड़ा दिन है कि हमारे मुख्यमंत्री डेजिग्नेटेड सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ओवर के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी यहां इकट्ठी है और हमारे पूरे प्रदेश से, क्योंकि 8 घंटे के अंदर अंदर ये ओवर का प्रोग्राम बना, माननीय राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं, सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राज्यपाल महोदय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं सभी नेतागणों से, माननीयों से। माननीय राज्यपाल महोदय कालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। सभी से विनम्र आग्रह है राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि जय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री के पद पर भोगने के लिए शरण देना है।
शिव सुखपुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अशुभ रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समृद्ध निर्माण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद।
का मान सम्मान हमारी समृद्ध स्थिति का अभिन्न अंग है। इसी परंपरा का निर्माण करते हुए हम केंद्र आग्रह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह जी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को परंपरागत विमान की टोपी फेंक कर सम्मानित करने के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को परंपरागत विमान की टोपी भेंट कर सम्मानित करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शॉल भेंट कर सम्मानित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें स्मृति की भेंट करेंगे। अभिनंदन करें, स्वागत करें बहुत ही गौरवमय लंबी उनके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय भारत जोड़ो यात्रा के प्रणेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को परंपरागत हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को शाल भेंट कर सम्मानित करेंगे और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें स्मृति की भेंट करेंगे। तुम ही कर लो काम, साइड करो, ये नहीं भाई साइड हो। हिमाचली तरीके से स्वागत करना हमारी संस्कृति का है, हमारी हम अपने मेहमान का इसी तरह से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हमने अपना बनाते हैं। ओ भाई डाले कर कैमरा नीचे कर कैमरा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आगे है कांग्रेस पार्टी की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को परंपरागत हिमाचली टोपी भेंट कर सम्मानित करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को शॉल भेंट कर सम्मानित करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जागे रहेगा उन्हें स्मृति की भेंट कर सम्मानित करने के लिए। हम सभी हिमाचल भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवमय लम्हे केंद्रीय नेतृत्व आज यहाँ पर मौजूद है और उनका आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट समूचे भारत वर्ष को सुनाई देनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, अपने अभिवादन करें। भाई गुज्जा अंदर ही गुज्जा इधर आ जा, आ जा चार बार विधायक रहे स्वर्गीय श्री रसीद सिंह जी के पुत्र 27 मार्च 1964 को नागौन हमीरपुर जिला में आपका जन्म हुआ। उस शिक्षा ग्रहण की और आदमी श्रीमती कुंदेश ठाकुर जी से विवाह किया। आपकी दो पुत्रियां हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं आरंभ से ही। आदमी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी 5 बार विधायक रहे हरोली विधानसभा क्षेत्र से। आदेश के रूप में कार्य आरंभ किया और समाज सेवी व राजनेता के रूप में आपने निरंतर सेवा की। राष्ट्रीय नेतृत्व आज हमारे बीच में विराजमान इन ऐतिहासिक लम्हों के गवाह बने। स्वर्णिम के हाय आज
स्वर्णिम अध्ययन में एक और अध्याय जुड़ा आज यहाँ जब हम सभी गवाह बने इस ग्रहण समारोह के। Thank you.